हेलो डियर फ्रेंड्स, राज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं डे 7 की तरफ, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सिर्फ एक वर्ड के जरिए मैं आपको दुनिया भर का जो अंग्रेजी है और अंग्रेजी व्याकरण है, ग्रामर है, वो सिखाने वाला हूँ। तो इसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे डे 7 में। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम और जो भी अंग्रेजी में या किसी और भाषा में बात करते हैं तो सिर्फ चार प्रकार के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम सिर्फ जानकारी देते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर्स देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सवाल पूछते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे मन की जो भावनाएं हैं उनका स्पॉन्टेनिटी जो होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने जो शुरू किया है एक वर्ड पर पूरा ग्रामर सीखने का एक प्रयास, उस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को कहा जाता है आज्ञार्थी वाक्य, ऑर्डर सेंटेंस। इसी को कहा जाता है, इसके फंक्शन के आधार पर डूज एंड डोंट्स कहा जाता है इसको। डूज एंड डोंट्स का मतलब होता है ये करो और ये मत करो। अब ये करो और ये मत करो में कुछ छह फंक्शंस होते हैं कुल मिलाकर। जब हम इंपरेटिव सेंटेंस में बात करते हैं तो एक्चुअली कॉन्वर्सेशन में हम छह बातें करते हैं। पहली बात तो होती है कि ऑर्डर करना, दूसरी बात होती है रिक्वेस्ट करना, तीसरी बात होती है इंस्ट्रक्शन देना, चौथी बात होती है सलाह देना, एडवाइस देना, पांचवी बात होती है सजेस्ट करना, और छठी बात होती है किसी को धमकाना, टू थ्रेटन समवन। ये छह बातों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। और इसी में हम क्या करते हैं, ये करो कभी कहते हैं या फिर कभी कहते हैं कि ये मत करो। और इसका फलसफा भी हम देख चुके हैं कि किसी और को बताने की बजाय अगर हम ये अपने आप को बताते हैं कि डू दिस और डू दैट, तो एक बेहतर पर्सनैलिटी की तरफ हमारा जो जर्नी है वो शुरू हो सकता है। इस बात को मैं थोड़ा रोक लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा था ये इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, वर्ब से होती है, राइट? इट बिगिंस विथ वर्ब। वर्ब में भी वर्ब का पहला जो फॉर्म होता है उससे शुरुआत होती है और इसके अंत में आता है एक फुल स्टॉप। ये इसका फॉर्म है। द फॉर्म ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इज दैट इट बिगिंस विथ अ वर्ब, वर्ब मेन वर्ब, एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एंड द फंक्शंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसके कुछ कुल मिलाकर बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन छह फंक्शंस के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। आई रिपीट, पहला होता है ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना, सजेशन करना, इंस्ट्रक्ट करना, सलाह देना और थ्रेटन करना। अब इसी बात को लेकर मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूं, और वो खास बात ऐसी है दोस्तों कि इस इंपरेटिव सेंटेंस के जरिए आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली हम कैसे अंग्रेजी में बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। द सिंपल थिंग ऑफ इट इज दैट इंपरेटिव सेंटेंस में जब हम पहला वाला वर्ड लिख लेंगे, द वेरी फर्स्ट वर्ड इफ यू राइट, तो इस फर्स्ट वर्ड को जब हम लिखते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट वर्ड वी कैन डू वन थिंग। हम एक पहला वर्ड लिख लेंगे, ओके, और फिर मैं आपको एक जादू बताने जा रहा हूँ। यस, इट इज रियली अ काइंड ऑफ अ मैजिक, ये एक मैजिक है। इस मैजिक को हम बहुत बहुत दिनों तक कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे मैंने लिख दिया फिर से एक बार मेरा फेवरेट वर्ड, दैट इज ईट, ओके, मैंने लिख दिया ईट। अब ईट के बाद मुझे क्या करना है, ईट व्हाट, ओके, एक लिख दिया मैंने, फिर मैंने लिखा ईट व्हेन, फिर मैंने लिख दिया ईट वेयर, फिर लिख दिया ईट हाउ, एंड फिर मैंने लिख दिया इट वाई। ये पांच सवाल मैंने लिख दिए हैं। अब इन पांचों सवालों के मैं जवाब लिख सकता हूं, इट फ्रूट्स, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ओके, फिर मैंने लिखा इट व्हेन, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, फिर कहां पर, एट कैंटीन, ओके, ये बड़ा अजीब है,
कैंटीन में हम फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं। फिर मैंने लिख दिया कैसे, स्लोली, और फिर क्यों खाना चाहिए, टू कीप योर सेल्फ हेल्थी। नो मिस, पांच सवाल है और पांच सवालों के मैंने पांच जवाब दे दिए। अब जरूरी नहीं कि पांचों सवालों के आपको एक साथ जवाब देने हैं। आप अगर सिर्फ क्या का जवाब देना चाहोगे तो यू विल से ईट फ्रूट्स कब, इन द मॉर्निंग, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक, ये दो और ये तीन। तो मैं कैसे कह सकता हूं, ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, पूरा सेंटेंस हो गया। ईट फ्रूट्स, ये भी पूरा सेंटेंस है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग एट कैंटीन, चार नंबर का लेकर भी मैं पूरा सेंटेंस बना सकता हूं। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि ईट फ्रूट्स स्लोली, मैं इसको भी तीन नंबर दे सकता हूं। नो, या फिर मैं कह सकता हूं कि ईट फ्रूट्स टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, मीन्स तीन नंबर आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन एक और दो नंबर पर आपको ईट और फ्रूट्स को रखना है बाकायदा। इसमें आप बदल नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। तो बहुत ही आसान तरीका है अंग्रेजी में बात करने का। आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहे कि जब भी मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूं, खास करके इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर जब हम ध्यान दे रहे, तब तो मुझे इन पांच सवालों के ही जवाब देने पड़ेंगे। चाहे आपसे कोई भी सवाल पूछे, एनी वन इन द वर्ल्ड इफ आस्क यू द क्वेश्चंस विल बी द फाइव, एंड यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दिस, आंसर ऑफ दिस फाइव क्वेश्चंस ओनली, इन पांच सवालों के जवाब। इसके लिए जैसे आप अपना माइंड बना लेते हो, यू नो, सो यू बिकम वेरी वेरी मच एट ईज, आसानी से आप इन सवालों के जवाब दे सकते हो और आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो, आप अंग्रेजी में लिख सकते हो, उसको समझ सकते हो। अब इट की जगह बात बदल जाएगी, लेकिन सवाल नहीं बदलेंगे। इट की जगह मैं प्ले अगर ले लेता हूं तो प्ले वॉट, तो प्ले के साथ, यू नो, प्ले के साथ कुछ और बातें आएंगी। आई जस्ट, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूं ताकि आपकी समझ में बात ठीक से आ पाए। ओके, जैसे मैंने लिख दिया, जस्ट वेट, ईट के साथ मैंने लिखा था व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई, करेक्ट। अब अगर मैं प्ले लेता हूं तो ईट की जगह पर मैं प्ले ले सकता हूं, लेकिन सवाल बस वही रहेंगे, सेम क्वेश्चंस विल बी देयर, और सेम क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन आंसर्स बदल जाएंगे, बदलने चाहिए, यू नो, तभी मीन्स बात लॉजिकली समझ में आएगी। नहीं तो अगर आप ऐसा कहेंगे ईट फ्रूट्स प्ले फ्रूट्स, तो नहीं चलेगा नो। हम फ्रूट्स को खेलते नहीं है, उनको खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स, वी डोंट प्ले फ्रूट्स। ये कब, इन द मॉर्निंग, यू नो, कहाँ पर, एट कैंटीन, हाउ, स्लोली, और कैसे खाना है, इसके ऊपर हम खास करके ध्यान देंगे नो, क्योंकि चारों के जवाब बड़े टेक्निकल जवाब है, एक सिंगल वर्ड में इनके जवाब आ जाते हैं, यू नो, मीन्स क्या, कब, कहाँ पर और कैसे। लेकिन व्हाई का जवाब जब हम देते हैं तो इसका जवाब बहुत ज्यादातर हमें सोच समझ कर लॉजिकली ही देना पड़ता है। जितनी ज्यादा आपको आदत हो जाएगी इस वाई का जवाब देने की, उतना ज्यादा अच्छा अंग्रेजी में आप बात कर पाओगे। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर द वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। मैं इसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन कहता हूँ, दिज आर ऑल्सो द इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, इनसे भी हमें कुछ ना कुछ मालूम हासिल हो जाती है। लेकिन ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन है, मीन्स वॉट की जगह पर कोई फ्रूट की जगह कोई और बात आ जाएगी, एक ही चीज आएगी। वेन की जगह इन द मॉर्निंग है तो इन द इवनिंग हो जाएगा, ऑन संडे हो जाएगा, द नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, टाइम के ताल्लुक से बात आएगी। वेयर की जगह एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह आ जाएगी बस। हाउ, स्लो, फास्ट, नो, इजीली, इस तरीके से कुछ एडवर्ब्स आ जाएंगे। लेकिन जब हम वाई का जवाब देते तो हमें थोड़ा रुक कर इसका जवाब देना पड़ता है, क्यों खाना है, टू कीप योर सेल्फ हेल्थी।
टू मेक यू फिट, टू डांस। अभी सिर्फ टू के बाद ही आएगा क्या? तो ऐसा नहीं है। ये कैसे है मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगा, लेकिन इसको फॉर के साथ भी ले सकते हैं, बिकॉज के साथ भी ले सकते हैं। सो टू फॉर बिकॉज, कम से कम ये तीन वर्ड्स हम लेंगे वाई के लिए, क्योंकि तीनों में से हमें किसका पता चलता है? रीजन का पता चलता है। क्या कारण है कि आपने फ्रूट खाने चाहिए? क्या कारण है कि आपने खेलना चाहिए? खेलो क्यों? तो जवाब देना पड़ेगा। डांस क्यों? एक अलग वजह होगी। सिंग क्यों? तो इसकी अलग वजह हो जाएगी। वॉच देखो क्यों? तो इसकी अलग वजह हो जाएगी। मीन्स वजह वक्त के साथ, प्लेस के साथ, पर्सन के साथ बदल जाएगी, यू नो, आपके नीड के साथ बदल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। आई रिपीट, एक ही वर्ड है, ये सारे एक ही वर्ड है मेरे लिए, वर्ब्स है वो। जितने ज्यादा वर्ब्स रहेंगे उतने मैं इन सवालों के जवाब दे पाऊंगा। उसमें भी मुझे खास करके ध्यान देना है इस वाई की तरफ। जितना हम इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से हम अंग्रेजी में बोलना सीख पाएंगे, लिखना सीख पाएंगे, समझना सीख पाएंगे, यू नो, एंड वी शेल हैव ग्रेट कॉम्पिटेंसी ओवर लैंग्वेज इफ वी गो दिस वे टू लर्न इंग्लिश एंड इट्स ग्रामर। सो थैंक यू वेरी मच। आई विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर लर्निंग दिस वे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी अभी हमने देखा कि कैसे सिर्फ चार पांच सवालों के जवाब देकर हम अच्छी अंग्रेजी को सीख सकते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है दोस्तों। जब हम भाषा की बात करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम भाषा को उसके ढंग से समझे। भाषा का अपना खुद का एक ढंग होता है। भाषा जो कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हो, इसका एक सिमेंटिक, सिमेंटिक बोले तो ग्रामेटिकल मानी होने के साथ साथ इसका हमेशा एक फिलोसॉफिकल मानी होता ही होता है। और इस फिलोसॉफिकल मानी को जब हम समझते हैं तो वंस अगेन आई से दैट वी बिकम अ वंडरफुल पर्सनैलिटी बिलीफ में। जैसे आज के वीडियो में हमने देखा कि डे 7 में कि कैसे हम पांच सवालों के जवाब देते हैं। उसमें का जो आखिरी सवाल मैंने कहा था वाई, ये करो, जब हम किसी किसी से कहते हैं कि ये करो, डू दिस, पढ़ाई करो, यू नो, और जब वाई से इस सवाल, वाई का सवाल अगर इससे जोड़ दिया जाए, स्टडी वाई या वाई टू स्टडी, वाई टू स्टडी, तो उसका स्पेसिफिक रीजन आना चाहिए। स्टडी टू मेक योर करियर, स्टडी टू बी कम अ रैशनल बींग, स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग, वॉट एवर, तो उसका जो भी जवाब आएगा वाई का, ये जवाब एक पर्पजफुल जवाब होगा, एक इंटेंशनल जवाब होगा। ये वो जवाब होगा जो बताएगा कि आप सोचते कैसा हो, और उस सोचने के साथ फिर आप उस ढंग से, उस हिसाब से बिहेव वेयर कर पाते हो कि नहीं, अपना बर्ताव रख पाते हो कि नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑस्टिन ऐसा कहता है कि हम शब्द सिर्फ बोलते नहीं है, शब्द करते हैं। डू थिंग्स विद वर्ड्स, नो, क्या कहा है? डू थिंग्स विद वर्ड्स, शब्द बोलो और करो, करो इन द सेंस डू समथिंग। तो जब मैं कह रहा हूं कि भाई ईट फ्रूट्स, और इसका अगर सवाल आ रहा है क्यों, तो इस सवाल का आपको जवाब देते आना चाहिए, क्यों खाने हैं फ्रूट्स। मीन्स खाना खाने जैसी एक बहुत ही आम फिजिकल एक्टिविटी है, इसको हमें क्यों करना है, ये क्यों करना है जब तक हम नहीं समझ लेंगे। हर एक्शन, आप आपके हर एक्शन चेक कर लो, सवेरे उठने से लेके तो रात के सोने तक, हर एक्शन को चेक करेंगे तो इसका एक सवाल आपको पूछना है खुद से कि मुझे क्यों उठना है, क्यों जागना है, क्यों कॉलेज जाना है, क्यों पढ़ाई करनी है, क्यों खाना खाना है, क्यों दोस्तों से मिलना है, क्यों टेलीविजन देखना है, क्यों मोबाइल देखना है, क्यों कुछ किन्हीं चीजों को देखना है, क्यों मुझे सोना है इवन,
क्यों मुझे सपने देखने हैं? मिस ड्रीम, अगर मैं कहता हूं कि ड्रीम सपना देखो, क्यों खेलो, क्यों बुक्स पढ़ो, क्यों ध्यान दो, क्यों कॉलेज जाओ, क्यों? मिस हर वो एक्शन जो आप कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके छोटे ये बात कर रहे, तो इस बात का कोई मानी है? जैसे मैं इसको थोड़ा हल्का करना चाहूंगा आपका मूड, अगर एक लड़का है वो कॉलेज जाता है और कॉलेज जाते वक्त अगर उससे मैं कहता हूँ, जैसे मेरे ही घर का कोई लड़का है, कि गो टू कॉलेज, यू नो, और अगर मुझसे पूछता है क्यों जाना है, मैं व्हाई टू गो टू कॉलेज, अगर वो मुझसे ऐसा पूछता है तो मैं मिस आई विल टेल वेरी आइडियली कि पढ़ने के लिए जाओ, करियर बनाने के लिए जाओ, फ्यूचर बनाने के लिए जाओ, अच्छी तालीम हासिल करने के लिए जाओ, राइट? लेकिन एक्सैक्टली अपोजिट वो बच्चा अगर बात कर रहा है कॉलेज जाकर, तो फिर गलती हो रही है, क्योंकि आइडियलिज्म के तौर पर देखा जाएगा तो कॉलेज इज टू स्टडी, कॉलेज पढ़ाई के लिए है, और बच्चे एग्जैक्टली अपोजिट अगर बातें कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो अपना पर्पस खो चुके हैं, और जहां पर हम अपना पर्पस खो चुके हैं, तो आप कितनी भी एक्शंस कर लो, कितनी भी बातें कर लो, कितना भी परफॉर्म कर लो, इसको कोई मानी नहीं रह सकता। तो डियर फ्रेंड्स, आई विल कंक्लूड विद दिस, आप जो कुछ भी करते हो या जो कुछ भी चाहते हो कि आपके छोटे, आपके विद्यार्थी, आपके बच्चे करें, तो उसका एक बेस्ट पर्पस इस वाई के जरिए आपकी समझ में आए, तभी आप ये बातें खुद को भी बताइए, दोस्तों को भी बताइए, फ्रेंड्स को भी बताइए, विद्यार्थी जो आपके हैं उनको भी बताइए। तो दिस पर्पसफुल टॉक, पर्पसफुल डूज, पर्पसफुल डोंट्स हो पाएगा और हम बेहतर जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज सच। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।